कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला अपने विधानसभा क्षेत्र के 600 नागरिकों के साथ में एक बार फिर अयोध्या यात्रा पर रवाना हुए। प्रधानमंत्री को समर्पित की कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला ने अपने विधानसभा क्षेत्र के एक वार्ड 10 के 600 नागरिकों को अयोध्या की यात्रा करवा रहे हैं और 4 दिन की इस यात्रा पर जाने के लिए श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। शनिवार को 10वीं बार यह यात्रा अयोध्या के लिए रवाना हुई। इसके पूर्व वार्ड क्रमांक 10 के 600 यात्री सुबह बाणेश्वरी कुंड पर एकत्रित हुए। वहां पर विधायक शुक्ला के साथ में इन यात्रियों ने भगवान की पूजा कर भजन कीर्तन किए। इसके बाद में इन यात्रियों को शोभा यात्रा के रूप में रेलवे स्टेशन लाया गया, जहां से सभी यात्री अयोध्या के लिए रवाना हुए। इन यात्रियों के साथ में हमेशा की तरह विधायक संजय शुक्ला भी गए और अयोध्या यात्रा पर रवाना होते समय विधायक शुक्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिवस की बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह अयोध्या यात्रा हम प्रधानमंत्री को समर्पित करते हैं और यात्रा के दौरान तमाम श्रद्धालु प्रधानमंत्री की दीर्घायु के लिए भगवान श्री राम से प्रार्थना करेंगे। यात्रियों को भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर ले जाकर रामलला के दर्शन करवाए जाएंगे और इसके साथ ही अयोध्या के अन्य प्रसिद्ध मंदिरों के दर्शन भी करवाए जाएंगे। इसके अलावा सरयू नदी के तट पर जाकर दीपदान भी किया जाएगा। रवाना हो रही है अयोध्या, कितने यात्री जा रहे हैं? देखिए, ये हमारी यात्रा लगातार, ये 9वीं यात्रा लगातार हम यात्रा निकाल रहे हैं। दिसंबर से लगातार हमारी यात्रा चल रही है और ये यात्रा हमारे 17 ही वार्ड में चलेगी। आज विधानसभा एक और वार्ड का मान 10 की यात्रा है और लगातार यात्रा चल रही है। आज हमारे 600 यात्री जा रहे हैं और जो आज निकलेंगे और 4 दिन की यात्रा रहती है, वहाँ जाके दर्शन करके वहाँ रुक के 2-3 दिन रुकी है और यात्रा ही वापस आएगी। सर, आज प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिवस भी है, क्या कहना चाहेंगे आप? हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका जन्मदिन में मैं बहुत बहुत शुभकामना देना चाहूँगा और साथ में ये भी कहना चाहूँगा क्योंकि उनकी लंबी आयु की, हम जितने भी अयोध्या यात्री वार्ड क्रमांक 10 के जा रहे हैं, हम सभी लोग यात्रा की कामना करेंगे और ये यात्रा हम उनको समर्पित करते हैं।